रायबरेली में तेज तर्रार डीएम माला श्रीवास्तव ने किया देर रात जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण। बिजली आपूर्ति के संबंध में विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार के साथ आज देर रात जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और बिजली आपूर्ति को लेकर किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण किया। उन्होंने कहा जनपद में अधिकांश स्थानों पर बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सामान्य रही। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता द्वितीय को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए कि वह अपने स्तर से विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करें। उन्होंने कहा सामान्य रूप से जनपद की विद्युत व्यवस्था सामान्य रही। मंडल लखनऊ, अंशु श्रीवास्तव, क्राइम ब्यूरो। वो बता रहे हैं झूठ, वो बता रहे हैं नौगावा भीतर का। सुनो नौगावा किस नौगावा ग्राम में अभी बोलो आपके पास तो है कोई जानकारी, कब से हो भाई? लाइट आ रही है, दो महीना हो गया। नहीं जानकारी है, मुझे बता रहे हो कि वो अपनी लोकेशन नहीं दे रहा है। मैं अभी उससे बात किया है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपने उससे बात किया या नहीं, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वो रायबरेली में अभी एसपी साहब खड़े हैं, आप लोकेशन रायबरेली में बता दीजिए, हम उन्हें एसपी साहब के माध्यम से बस चेक करेंगे कि वो वहाँ पे नहीं। फोन लगाने के लिए नहीं कहा है आपने, कहा कि आपका एक्सएल रायबरेली जनपद में है, आप बता दीजिए रायबरेली जनपद में वो कहाँ पर मौजूद है। नहीं, आपको फोन करने को नहीं कह रहे हैं। फोन तो हम भी कर सकते हैं भाई, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है हमको। हमने आपसे नहीं पूछा वो कहाँ गया, आपने कहा कि उसकी लोकेशन प्राइमरीली जनपद है, जो लोकेशन बताइए एग्जैक्टली कहाँ है। आपके अधीनस्थ अधिकारी पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, क्राइसिस टाइम है भाई, इसमें तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। आप ये तय कर लीजिए कि आप बताना चाहते हैं सर, या आप उनका साथ देना चाहते हैं। नहीं पता ना, अभी आपने पूरे दावे के साथ कहा कि उसकी लोकेशन रायबरेली जनपद है, कैसे कहा जब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है? सुबह नहीं पूछा मैंने, इस समय पर नहीं पता ना, तो आपने क्यों बोला कि वो रायबरेली जनपद में है? आपसे नहीं पूछा आपके बारे में, मैंने खाली आपके अधीनस्थ की लोकेशन पूछी है। नहीं पता, कम से कम इतना तो अधीनस्थों पर कंट्रोल करना आपका दायित्व है कि नहीं? जब समय में जरूरत है, बीसी में आप मौजूद थे, सारे निर्देश स्पष्ट हैं, तो आपको इतना भी नहीं था कि आपके एक्सीएम की लोकेशन आपको पता हो? लेकिन बताइए ये कोई फॉल्ट नहीं था, क्यों बंद था? छतों में फुर्सत का लाइन डाउन थी। फुर्सत का से लाइन डाउन थी, कहाँ की लाइन? यहाँ से मतलब त्रिपुरा से फुर्सत, त्रिपुरा से फुर्सतगंज डाउन था। बहुत अच्छी बात है। और वो त्रिपुरा से फुर्सतगंज लाइन अगर डाउन थी तो किसको अप करना था? फुर्सतगंज वाले को अप करना था। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब तो लग गया, अभी लगा नहीं है। मतलब अभी यहाँ से एक्सटेंड किया है मैम, अब रोड ले रहे हैं, देखते हैं कि आप बताना चाहेंगे कौन सी लाइन डाउन है यहाँ पे, जो लोग मौजूद हैं कोई बताना चाहते हैं कौन सी लाइन डाउन है? फुर्सतगंज से मैम छतो लाइन डाउन है मैम। पहले कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी, आराम करो थोड़ी देर। फुर्सतगंज से छतो की लाइन डाउन है, वो कहाँ से आप होनी थी? यहाँ पर डाउन लेना पड़ेगा मैडम, उसके बाद वहाँ लाइन जोड़। ये क्या पद है आपका? TG2। क्या नाम है आपका? श्रीराम। और आपका? रजनीश शर्मा। क्या पद नाम है? TG सेकेंडरी। आप बताइए, आप XCN है क्या? मैं शब्द इस्तेमाल करूँ आपके लिए? अब आप ना बोले, हो गया बात, इनाफ। तो नहीं बदलाऊंगा सुबह,
मेरे सामने कितनी बार है बन गया ना तुम्हारा हाल पता चल गया दोनों के दोनों ये गंभीरता है विभाग की मजाक बना के रखा है या संलिप्त हो मैं आप बोल रही जब मैंने आपसे पूछा आप अभी भी कोई जवाब डी में जाके लगवाया होगा डी लगवाया होगा हमने डी के बारे में पूछा नहीं है हम आपसे डी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं छतों कब से डाउन था टाइम बताइए कब से डाउन है सारे पब्लिक के फोन हम अटेंड कर रहे हैं कितने बजे आपको नोट कर रहे हैं 15:25 नोट करिएगा 15:25 पे डाउन होके जब मैं आपको 10 बजे भी पूछ रही हूँ तो ऐसी साहब को पता नहीं आपने ऐसी साहब को बताना जरूरी नहीं समझा अब आप करने में कितना टाइम लगेगा मैडम कराइए तुरंत ट्राई करो जय करना है।